हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अप्रैल माह के करंट अफेयर्स पर। देखिए, वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि कुछ हेल्थ इशू है जिसके कारण आपका वीडियो आने में टाइम लगेगा। एक्चुअली में ये तबीयत गड़बड़ होने का ये मेन कारण आपका ये वीडियो ही है। एक्चुअली में जब सीएमओ का एग्ज़ाम चल रहा था तो उस समय मुझे सीएमओ के साथ साथ दो और टॉपिक्स पे मेरे को वीडियो बनाने थे, कुछ दूसरे लोगों के लिए और वीडियो बना रहा था मैं। तो एक दिन में तीन तीन वीडियो बनाने के चक्कर पे, और वो भी इतने गर्म कमरे में, काफ़ी गर्म रहता ये रूम, आप देखे भी होंगे, काफ़ी पसीना पसीना हो जाता था। तो वो इतने गर्म कमरे में सुबह से लेकर शाम तक तीन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके चक्कर में थोड़ा तबीयत बिगड़ गया। बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो बस अति मचाया, तबीयत बिगड़ गया। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट हमारी प्लानिंग क्या है। आपको अब मंथली बेसिस पे चार से पांच वीडियो मिलेंगे। अभी मेरे हिसाब से सामने कोई ऐसा बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है, आराम से कंप्लीट करेंगे सिलेबस, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो जो आपको पांच वीडियो रहेगा, एक आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर रहेगा, एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के रहेंगे, दो आपके छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के रहेंगे, और एक आपका छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको लेते हुए हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग आपके सीजीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 7 को पढ़ाने की बात कर रहे थे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ इशू है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं चाहता नहीं कि कोई भी ऐसा रैंडम टॉपिक आपका उठाऊं और उसे पढ़ाना चालू करूं। देखिए, कोई भी टॉपिक को उठा करके पढ़ो और उसे कंप्लीट करो, तब उसे पढ़ने में मज़ा आता है। और आप देख ही रहे हैं कि मेरे वीडियो वैसे भी आपके काफ़ी टाइम की गैप के बाद ही आते हैं, कंटिन्यू मेरे वीडियो नहीं आ पाते। क्या है, मुझे थोड़ा अपना इधर मेरे भी दूसरे आपके अदर वर्क रहते हैं, और उसके बाद फिर मुझे वीडियो के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो कम से कम तीन से चार दिन के गैप में आते हैं। और आपका जो मेंस का सिलेबस आया था, जिसको कंटिन्यू वीडियो की ज़रूरत है, लगभग एक से डेढ़ महीने का समय है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ाना चालू करूँ, उसको बीच में छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। सीएमओ का भी हमने जो भी वीडियो मैंने आपसे बात किया था कि जो भी टॉपिक उठाऊँगा उसको कंप्लीट कराऊँगा, और दिए गए टाइम पीरियड में मैंने अपने जो बात कही थी उस पर अमल भी किया, सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा है। वो अलग बात है कि उससे प्रश्न नहीं पूछे गए, प्रश्न नहीं आए, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने मजाक भी बनाया कि फालतू के मेहनत गया, वेस्ट गया। देखिए, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ी हुई चीज़ें कभी वेस्ट नहीं जाती। सीएमओ का सिलेबस अगर मैं एक्चुअली कहूँ तो मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया, ऐसा सिलेबस जो आपको काफ़ी चीज़ सिखा के गया, ये चीज़ें जिसे आपको लाइफ में जाननी ही चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, ये एक्चुअली एक अधिकारी को ये सारी चीज़ें मालूम होने चाहिए। तो ये मत समझिएगा, या जो भी कोई आपका अगर बोल भी रहे होंगे, एक्चुअली मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि फोकट में इतना मेहनत कर दिए, पर्टिकुलर आप आधार संहिता और ये सब, बहुत से कमेंट उल्टे सीधे कमेंट भी आए, पॉजिटिव कमेंट भी आए, लेकिन बीच में 2-3% नेगेटिव कमेंट भी रहते, वो सुनने मिले मेरे को। लेकिन देखिए, पढ़ा हुआ चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी पढ़े अच्छे पढ़े, सीएमओ का सिलेबस काफ़ी अच्छा था, आगे काम आएगा। ठीक, तो चलिए, अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका एक आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है सीजीपीएससी मेंस के लिए, वो आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा 2-3 दिन में, उसमें आपको बता दूंगा कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए कम समय में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अप्रैल मंथ। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहला है आपका पाषाण युगीन शैल चित्र। पाषाण युगीन शैल चित्र अभी हाल फिलहाल में आपके पत्थलगांव तहसील के अंतर्गत, जशपुर जिला के पत्थलगांव तहसील के अंतर्गत आपका टोंगरी पानी पहाड़ी में आपका पांच नए शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। पांच नए शैलाश्रय कहाँ? पत्थलगांव तहसील, जशपुर जिला, टोंगरी पानी पहाड़ी में। ठीक, पांच नए शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। देखिए, वो शैलाश्रय कौन कौन से है देख लीजिएगा। पहला है आपका लिखा पखना, दूसरा है बानी पाथर, तीसरा है सीताकुटी, चौथा है राम का घोड़ा, और पांचवा है आपका छेरी गोदनी। कौन कौन सा है? लिखा पखना, बानी पाथर, सीताकुटी, राम का घोड़ा और छेरी गोदनी। ये पांच शैलाश्रय अभी हाल फिलहाल में आपके जशपुर जिले में प्राप्त हुए हैं। जशपुर जिले में अभी तक पाषाण युगीन जो शैलाश्रय है, टोटल 9 शैलाश्रय प्राप्त हो चुके हैं जशपुर जिले में, जिसमें से
चार पहले से ही प्राप्त हो चुके थे और अभी ये पांच नए प्राप्त हुए, तो पांच और चार नौ शैलाश्रय हो गए। देखिए इसमें से ये जो आपका शैलाश्रय है जो प्राप्त हुए हैं आपके जसपुर जिले के इस टोंगरी पानी पहाड़ी में, ये आपके 10,000 साल पुराने शैलाश्रय है। ये जो इसमें जो शैलाश्रय के अंतर्गत है, शैलाश्रय मतलब एक प्रकार का गुफा, उस गुफे के अंदर कुछ चित्र बने हुए हैं। उस चित्र के आधार पर जो पुरातात्विक विद है वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आपका जो शैलाश्रय के अंतर्गत जो बने हुए चित्र है वो 10,000 साल पुराने हैं। अगर अभी एक अनुमान, ये जो आपके पांच शैलाश्रय है जिसमें से ये जो आपका लिखा पखना है, लिखा पखना ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक शैलाश्रय है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक का मतलब इसे अभी तक का छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शैलाश्रय और एकदम आपका प्रमाणिक शैलाश्रय माना जा रहा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, माना जा रहा है अभी छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन जो आपका शैल चित्र है या आपका शैलाश्रय बोलिए, वो है आपकी सिंघनपुर की गुफा, वो अभी तक माना जा रहा है। लेकिन इसमें अभी प्रारंभिक तौर पर जो इसमें आपका नमूना लिया गया है, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी प्रारंभिक स्तर पर जो इससे नमूने लिए गए, जो सैंपल लिए गए, उससे पुरातात्विक विद ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आपका लिखा पखना है, लिखा पखना शैलाश्रय, यह सबसे प्राचीन और प्रमाणित है। अभी इसका और भी इसमें भी जांच होगी, इस पर अभी और भी शोध होंगे, उसके बाद एक फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रारंभिक स्तर पर जो जांच की गई है उसके हिसाब से ये जो पांच शैलाश्रय मिले हैं ये 10,000 साल पुराने हैं। 10,000 साल पाषाण युगीन शैलाश्रय है, जिसमें से ये पांच शैलाश्रयों में से सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक शैलाश्रय है आपका लिखा पखना। ठीक, जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ मिला है, टोंगरी पानी पहाड़ी में, पत्थल गांव तहसील के अंतर्गत जशपुर जिला में। पांच आपके शैलाश्रयों के नाम, लिखा पखना, बानी पाथर, सीता कुटी, राम का घोड़ा और छेरी गोदनी। नेक्स्ट है आपका सोलह खंबा मंदिर। सोलह खंबा मंदिर मौजूद है आपका बारसूर में मौजूद है आपका सोलह खंबा मंदिर, जो कि छिंदक नागवंशीय कालीन है। जैसे आपके बारसूर में मौजूद है आपका चंद्रादित्य मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा, माँ भाचा मंदिर, तो उसी के आसपास मौजूद है आपके सोलह खंबा मंदिर। एक्चुअली में जो आपका सोलह खंबा मंदिर है ये अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा था। एक्चुअली में इसके आसपास क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों ने इसे ढक लिया है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पर्यटक आता जाता नहीं है। तो अभी कुछ समय पहले आपका विश्व धरोहर दिवस था, इस विश्व धरोहर दिवस के अवसर में यहाँ पे एक पर्यटन समूह जिसका नाम है अनएक्सप्लोर्ड बस्तर, उस पर्यटन समूह ने इसके सफाई का जिम्मा उठाया, इसे साफ सफाई करी और इसे वापस इसकी पहचान दिलाई। इस कारण ये थोड़ा आपका न्यूज में हाईलाइट था। तो याद रखिएगा कि सोलह खंबा मंदिर कहाँ है, सोलह खंबा मंदिर मौजूद है आपके बारसूर में, दंतेवाड़ा जिला, जो कि छिंदक नागवंशीय शासकों के समय का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका खारून नदी घाटी सभ्यता। देखिए खारून नदी घाटी सभ्यता ये आपके पाटन दुर्ग के अंतर्गत आता है। पाटन दुर्ग में आपका जो है खारून नदी घाटी सभ्यता, इसे नाम दिया गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे आपका सिंधु घाटी के समय के काफी वहां पे आसपास जो मतलब सिंधु नदी जो है उसके आसपास काफी आपके हड़प्पा कालीन बहुत से अवशेष मिले थे, इसलिए वो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। वैसे ही ये जो है पाटन जो एक जगह है, पाटन में जो खारून नदी के तट पर वैसे ही बहुत से आपके जो पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, इस कारण से जो पाटन के आसपास के क्षेत्र को आपका खारून नदी घाटी सभ्यता हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक विदों द्वारा कहा जाता है। देखिए वैसे ये आपका अभी करंट का न्यूज नहीं है, ये काफी पुराना न्यूज है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कुछ समय पहले आपका विश्व धरोहर दिवस था, तो उस अवसर पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आए हैं जो मुझे लगा कि आगे एग्जाम में काम आ सकते हैं। देखिए सामवेद मुहर आप सभी को मालूम है कि हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो आपका पाटन के अंतर्गत जो ये तरी घाट में आपका सामवेद मुहर मिला है। सामवेद मुहर का मतलब देखिए, एक्चुअली में वहाँ पे जो एक मुहर मिला है उस मुहर में कुछ चार शब्द लिखे हुए हैं और उसमें चार बिंदु है। तो ये जो चार शब्द है ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। तो ये जो चार जो शब्द लिखे हुए हैं इसका मतलब जो अगर पढ़ा गया है पुरातात्विक विदों के द्वारा तो उसका नाम ही है सामवेद। देखिए भारत का यह पहला मुहर है,
भारत का यह पहला मुहर है जिसमें सामवेद का उल्लेख मिलता है। भारत का यह पहला मुहर है जिसमें आपका सामवेद का उल्लेख मिलता है। सामवेद मुहर कहां से मिला है? आपका तरीघाट से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सामवेद मुहर कहां से मिला है? तरीघाट से। भारत में यह पहला मुहर है जिसमें आपका सामवेद का उल्लेख मिलता है। यह जो चारों वेद है, चारों वेदों में से मात्र एक वेद जो सामवेद है जिसका उल्लेख यदि किसी मुहर में मिला है तो वो ये है तरीघाट का सामवेद मुहर। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे छोटा मतदान केंद्र, सबसे छोटा मतदान केंद्र है आपका सेराडांड। सेराडांड मतदान केंद्र, सेराडांड मतदान केंद्र, अभी आपका लोकसभा चुनाव 2019 हुए, 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र जो कि एक अस्थायी रूप से बनाया गया मतदान केंद्र था, वो था आपका सेराडांड ग्राम, कोरिया जिला। कोरिया जिला भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका ये सेराडांड ग्राम। ये आपका प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र था। यहां पे केवल चार मतदाता थे, केवल चार मतदाता, जिसमें से तीन पुरुष और एक महिला थी। अगर देखें इसमें और थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, जो तीन जो थे, तीन चार में से जो तीन व्यक्ति थे वो एक ही परिवार के थे और एक इसमें वन विभाग का कर्मचारी था। 3+1=4, तो ये चार लोग थे जो 7 बजे मतदान यहां पे चालू हुआ और 8 बजे तक यहां पे 100% मतदान कंप्लीट भी हो गया। ठीक, 100% मतदान हुए यहां पे। नेक्स्ट है आपका उल्टा पानी। उल्टा पानी यह एक जगह का नाम है, जगह का नाम है, और इसका नाम भी उल्टा पानी इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पे स्लोप यानी आपके ढलान के विपरीत पानी उल्टे दिशा में बहती है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी को ऊपर से नीचे बहना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, इस जगह का नाम भी उल्टा पानी रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पानी उल्टे दिशा में मतलब ढलान के विपरीत दिशा में बहती है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक यह ढलान के विपरीत दिशा में यह आपका पानी बहता है। यह आपके बीसर पानी ग्राम जो कि मैनपाट सरगुजा के अंतर, सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। यहां पे अभी हाल फिलहाल में आपके भौतिकविद यहां पे जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये उल्टा बहने का कारण क्या है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो इसके चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे आपका शोध किया जा रहा है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बह रहा है तो उसका कारण कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जिसके कारण ये उल्टी दिशा में ढलान के विपरीत बह रहा है। पानी हमेशा ढलान की दिशा में बहता है, लेकिन यहाँ ढलान के विपरीत दिशा में बहने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्रों की यहाँ पे जाँच की जा रही है। तो अभी ये न्यूज़ में आया था, उल्टा पानी एक जगह का नाम है जो कि बीसर पानी नामक ग्राम में है जो मैनपाट सरगुजा के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति विशेष। पहले नंबर पर है आपके राकेश पाल। राकेश पाल जो कि धरसीवा से संबंधित है, 20 वर्षीय युवक है जो कि यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप, श्रीलंका में आयोजित यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप के 10 किलोमीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। श्रीलंका में आयोजित यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक्चुअली में ये न्यूज़ में तब आए जब इनके पास पैसे नहीं थे श्रीलंका जाने के लिए। आसपास के गाँव वालों ने चंदा करके इन्हें श्रीलंका भेजा और वहाँ पर जाकर के इन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया और उसमें स्वर्ण पदक जीता। तो काफी न्यूज़ में आए थे, इनका नाम याद रखिएगा। यदि प्रश्न पूछा जाए ये कौन है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऐसे तो ये खिलाड़ी है, अगर और डी में पूछा तो एथलेटिक्स या एथलीट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोद साहू का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के ये रंगोली आर्टिस्ट है, छत्तीसगढ़ के रंगोली कलाकार है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं आपके अखिल भारतीय स्तर पर अपने रंगोली आर्ट के लिए जाने जाते हैं। प्रमोद साहू जिन्हें अभी हाल फिलहाल में ऑल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड मिला है। मुंबई में आयोजित एक रंगोली प्रतियोगिता जिसमें पूरे अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 4000 रंगोली कलाकारों ने भाग लिया था। अखिल भारतीय स्तर पर 4000 रंगोली प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहां पे उन्होंने जो रंगोली बनाया वो था, उनके रंगोली का नाम था साधुवाद। एक्चुअली में जो रंगोली बनाते हैं ना, अगर आप इनकी रंगोली देखेंगे तो ये पूरी की पूरी एक 3D पेंटिंग की तरीके की होती है। पूरे किसी व्यक्ति के चेहरे का हाव भाव एक रंगोली के माध्यम से वो अपने आर्ट में उतार देते हैं।
हैं। तो मुंबई में आयोजित जो प्रतियोगिता थी उसमें उन्होंने एक साधु का आपका चेहरे के एक्सप्रेशन का उन्होंने वहाँ पे आपका रंगोली बनाया था। इस रंगोली को बनाने में उन्हें लगभग 42 घंटे का समय लगा था और इनके इस साधुवाद रंगोली को मुंबई में आपका ऑल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया और इन्होंने अपने इस अवार्ड को अपने गुरु चंद्रकांत साहू को समर्पित किया। प्रमोद साहू कौन है? छत्तीसगढ़ के रंगोली आर्टिस्ट है जिन्हें साधुवाद रंगोली के लिए ऑल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जिसे आपके अमेरिका में चौथी बार काव्य पाठ नाचा नामक काव्य पाठ के लिए चौथी बार उन्हें अमेरिका में आमंत्रित किया गया है। ठीक, इनके काव्य पाठ का नाम क्या है? नाचा। इसके साथ साथ याद रखिएगा 2010 में ये पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन्हें अमेरिका में बुलाया गया, इनसे रिलेटेड फैक्ट याद रखिए। इन्हें इनका जो काव्य पाठ है कौन सा है? नाचा नामक। ये काव्य पाठ करेंगे कहाँ पे? अमेरिका में। इन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका सोनिया स्वर्णकार। सोनिया स्वर्णकार जिन्हें पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स, मुंबई में आयोजित पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया है, जहां पे उन्होंने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में वहां पे रैंप वॉक किया था, जिसके पश्चात उन्हें पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स के खिताब प्रदान किया गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2019। लोकसभा से रिलेटेड मैं पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं जिसमें लोकसभा चुनाव कितने चरण में होंगे, कहां होंगे, किस क्षेत्र में होंगे, पिछले महीने के वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें जो इसके अंतिम जो आपके परसेंटेज वाले आंकड़े हैं केवल हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुए हैं ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 11 सीट के लिए लोकसभा चुनाव हुए, तो 11 सीटों के लिए जो लोकसभा चुनाव हुए वो आपका 71.48% पूरे छत्तीसगढ़ में आपका 71.48% 71.48% मतदान हुआ है इस बार। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र आप सभी को मालूम होगा, जैसे इस बार अभी सीएमओ का भी एग्जाम हुआ कि कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैच द फॉलोइंग में आया था। ठीक, तो देखिए मतदान केंद्र होता है, मतदान केंद्र विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और विधानसभा क्षेत्र आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे अगर हम देखें तो ये हुआ आपका मतदान केंद्र के अंतर्गत आएगा आपका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका लोकसभा क्षेत्र। ठीक, तो देखिए आंकड़े दो टाइप से है, मतदान केंद्रों को मैं यहां नहीं लिखा हूं, विधानसभा क्षेत्र जो कि लोकसभा क्षेत्र, हमारे यहाँ कितने विधानसभा क्षेत्र है? हमारे यहाँ 90 विधानसभा क्षेत्र है, वो 90 विधानसभा क्षेत्र आपके 11 लोकसभा क्षेत्रों में बटे हुए हैं। ठीक, तो देखिए विधानसभा क्षेत्र, अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो मैक्सिमम लैलुंगा कहाँ है? रायगढ़ के लैलुंगा में जो आपके 90 विधानसभा क्षेत्र है। देखिए विधानसभा क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 विधानसभा क्षेत्र है, ये 90 विधानसभा क्षेत्र आपके 11 लोकसभा क्षेत्रों में बटे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आंकड़े सामने आए हैं वो विधानसभा क्षेत्रों के भी आंकड़े सामने आए हैं और लोकसभा क्षेत्रों के भी आंकड़े सामने आए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम जो आपका वोट पड़ा है वो है आपका लैलुंगा मतलब रायगढ़ में है आपका लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र में आपके मैक्सिमम वोट पड़ा है 81.78%, जबकि मिनिमम पड़ा है आपका बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में 42.02% आपके वोट पड़े हैं। ठीक, अब हम यदि जो 11 लोकसभा क्षेत्र है ओवरऑल 11 लोकसभा क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम जो आपका वोट पड़ा है वो है आपका रायगढ़ में 77.70 वोट पड़े हैं, जबकि मिनिमम वोट पड़ा है आपका बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे 64% वोट पड़े हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है आंकड़े याद रखिएगा 71.48 जो कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ में इस बार 2019 के विधानसभा क्षेत्र में 71.48% आपके वोट पड़े हैं, जो कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के परसेंटेज से 2.09% ज़्यादा है। ठीक, देखिए कोरबा के 6 बूथों में आपका 100% वोटिंग हुआ, छत्तीसगढ़ में आपके कोरबा जिले के 6 बूथ मतलब 6 मतदान केंद्र ऐसे थे जिसमें 100% उस आपके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं ने वहां जाके वोट दिया, मतलब 100% 100% वहां पे वोट पड़े। एक है आपका सेराडांड जो मैंने आपको यही बताया था छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र, 100% तो होना ही है, 4 लोग है, चारों के चारों ने 1 घंटे के अंदर आपका पूरा 100% वहां पे वोट दे दिया। उसके बाद है बैरागी
पलारी डांड, कुर्थी और उढ़ानी। नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये नाम को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सेरा डांड, बैरागी, पलारी डांड, कुर्थी और उढ़ानी, ये आपका भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और एक है आपका गिरजापुर, जो कि आपका बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये छः विधानसभा क्षेत्र, सॉरी ये छः पोलिंग बूथ या आपके मतदान केंद्र ऐसे थे जहाँ पर आपके 100% या 100% वोटिंग हुए। नेक्स्ट है अब कृषि और वन। कृषि और वन, देखिए आम की प्रजाति, छत्तीसगढ़ में 5 आम की प्रजाति है जिसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा शोध के पश्चात इनकी एक नई प्रजाति डेवलप की गई है। देखिए ये जो आम की प्रजाति है इंपॉर्टेंट क्यों है, आपसे ये प्रजातियों के नाम दे देगा और पूछेगा ये किसकी प्रजाति है, चावल की प्रजाति है, आम की प्रजाति है, मक्का की प्रजाति है, ऐसे ऑप्शन पूछ सकता है, इसलिए नाम याद रखिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ पवन, छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा, छत्तीसगढ़ राज, छत्तीसगढ़ गौरव और छत्तीसगढ़ अचार, ये 5 जो है ये छत्तीसगढ़ के आम की प्रजाति है। जैसे छत्तीसगढ़ पवन, इसका नाम क्यों पड़ा है, छत्तीसगढ़ पवन का नाम इसलिए पड़ा है, ये अभी न्यूज़ में है काफ़ी, क्यों, क्योंकि जो आम की जो फसल होती है या जो आम जो पेड़ में लगे रहते हैं वो आंधी तूफान आने के कारण वृक्षों से गिर जाते हैं, पकने से पहले ही वृक्षों से गिर जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसे ऐसे डेवलप किया गया है इस आम की प्रजाति को, जो कितने भी आंधी तूफान आ जाए ये वृक्ष में बने रहेंगे। इसका जो डंठल है वो काफ़ी मोटा, इसको मतलब जो शोध करके इसके डंठल वो काफ़ी मोटा बनाया गया है, मतलब इसकी प्रजाति को ऐसा डेवलप किया गया है कि जब बड़े हो पेड़ और ये पेड़ पर यदि फल लगे तो इसके डंठल काफ़ी मोटे हो, कितने भी आंधी तूफान आ जाए उसके बाद भी ये जो आम है ये वृक्षों से गिरेंगे नहीं। तो ये है आपका जो छत्तीसगढ़ पवन है, इसको काफी मतलब अखिल भारतीय स्तर पर काफी राज्यों में इसकी डिमांड की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ पवन, छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा, छत्तीसगढ़ राज, छत्तीसगढ़ गौरव और छत्तीसगढ़ अचार, ठीक। नेक्स्ट है आपका जुगाड़ू। जुगाड़ू ये एक वन भैंसा है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, जिसकी हाल फिलहाल में मौत हो गई। इसके मौत काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली रही। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो भी एक वन भैंसा रहता है उसकी एक आयु रहती है आपकी 23 से 24 साल, लेकिन ये लगभग 18 से 19 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय पहले जो जुगाड़ू है, जो आपका राजकीय वन भैंसा है, इसकी दूसरे वन भैंसे के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, पैर में मोच आ गया, डॉक्टरों के इलाज के पश्चात भी, इलाज किए जाने के कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई, केवल वो मोच के दर्द के कारण, ठीक। तो काफ़ी आपके वन विभाग में इसको लेकर के काफ़ी हलचल हो गई, क्योंकि उम्र से पहले ये वन भैंसा मर गया, इलाज के बाद भी मर गया। अभी इसके फिलहाल जो इसके शरीर है उसको दफना दिया गया है, दफनाने के बाद जो इसका शरीर जब कंकाल बन जाएगा तो उसको निकाल करके फिर से उसमें शोध या रिसर्च किए जाएंगे कि इसकी मौत का कारण क्या रहा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में रहने के कारण ये नाम याद आया था। वैसे भी ये जो वन भैंसे के नाम से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे दीपाशा, तो जुगाड़ू ये कहां था, उद्यंती अभ्यारण्य में था। जुगाड़ू की मृत्यु के पश्चात उद्यंती अभ्यारण्य में अभी 9 वन भैंसे मौजूद है, ठीक। तेंदुपत्ता संग्रहण, तेंदुपत्ता संग्रहण देखिए, पारिश्रमिक लगभग 4,000 रुपये, लगभग क्या 4,000 ही रुपये, 4,000 रुपये मानक बोरा, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दर से आपके तेंदुपत्ते का संग्रहण अभी प्रारंभ होने वाला है, प्रारंभ होने वाला हुआ नहीं है, प्रारंभ होगा, ठीक। तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है लेकिन इसकी खरीदी अब चालू होगी 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से। PSC और व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, एक मानक बोरे में, तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं, 50,000। PSC और व्यापम को दोनों को इस प्रश्न से काफी ज्यादा प्यार है, अक्सर एग्जाम में आपको किसी एक साल में होने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। तो याद रखिएगा, तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, इस बार 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस बार जो लक्ष्य है तेंदुपत्ता संग्रहण का वो है आपका 16.75 लाख मानक बोरा, 16.75 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ते संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम विभागीय स्तर पर बात करें तो विभागीय स्तर पर सर्वाधिक तेंदुपत्ता का जो संग्रहण किया गया है वो है आपका बलरामपुर में सर्वाधिक तेंदुपत्ता संग्रहण है, बलरामपुर में है आपका 1,45,000 मानक बोरा, वहाँ पे आपका तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। सेकंड नंबर पर है आपका सुकमा में आपका 75,900 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। थर्ड नंबर पर है आपका सूरजपुर, जिसमें 43,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण
किया गया है और चौथे नंबर पर है कवर्धा जहां पे 40,400 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण किया गया है। लक्ष्य कितने का रखा गया है आपका 16.75 लाख तेंदुपत्ता का संग्रहण, 16.75 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ते के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सर्वाधिक है बलरामपुर 1,45,000 तेंदुपत्ता मानक बोरा तेंदुपत्ता। ठीक, देखिए 4,000 रुपये पारिश्रमिक है इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भोरमदेव अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य और कान्हा नेशनल पार्क, भोरमदेव अभ्यारण्य और कान्हा नेशनल पार्क अभी हाल फिलहाल में आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसके द्वारा अभी एक जवाब आया है। एक्चुअली में आपके रायपुर के एक व्यक्ति ने PIL यानी जनहित याचिका लगाई थी कि भोरमदेव अभ्यारण्य को आपका टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसके जो जनहित याचिका के उसमें आपका जो उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का जो आपका हाई कोर्ट है उसने सुनवाई करी और उसमें आपका जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसने जवाब में ये दिया कि हमारे तरफ से सारे के सारे जो क्लियरेंस है वो छत्तीसगढ़ शासन को दे दिए गए हैं, यानी हमने बता दिया है कि जो भोरमदेव अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है ये दोनों को आपका एक टाइगर रिजर्व संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व है, अगर भोरमदेव बनेगा तो भोरमदेव चौथा टाइगर रिजर्व बन सकता है। आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा आपका कान्हा नेशनल पार्क और आपका भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि बाघ के लिए एक कॉरिडोर बन सकता है, तो मतलब आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसमें विलंब किया जा रहा है। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ शासन ने अपना जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है आपके हाईकोर्ट से, देखते हैं जवाब क्या आता है, लेकिन ये जो देरी हो रही है ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बस्तरिया हल्दी, बस्तरिया हल्दी जो कि कैंसर रोधी गुणों के कारण आपका ओमान में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये जो बस्तरिया हल्दी है ये हल्दी की एक प्रजाति है जो बस्तर में डेवलप नाम से ही आपको मालूम है। इसमें क्या है, इसमें कैंसर रोधी गुण है जिस पर रिसर्च किए जा रहे हैं और रिसर्च के ही पर्पस से इसे ओमान में इसके 20 टन बस्तरिया हल्दी की सप्लाई या वहाँ पे उसकी मांग की गई है, तो छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका 20 टन बस्तरिया हल्दी वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है रिपोर्ट, देखिए बेरोजगारी दर NSSO देखिए हम जनवरी वाले में भी पढ़े थे बेरोजगारी दर जो कि CIMS के द्वारा था, CIMS वो आंकड़े भी ठीक है लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक आंकड़ा है जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो NSSO मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है और यदि आपसे बेरोजगारी दर पूछा गया तो आप इसके ही आंकड़े लगाइएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो NSSO 2018 की जो रिपोर्ट आई है 2018 के अनुसार यदि बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है वो है आपका 6.1%, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब ओवरऑल इंडिया, अखिल भारतीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है वो है आपका 6.1%, जिसमें अगर पूरे ओवरऑल इंडिया में यदि राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक है आपका केरल, केरल में 11.4%, केरल में सर्वाधिक बेरोजगारी है NSSO रिपोर्ट के आधार पर, NSSO रिपोर्ट 2018 के आधार पर सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहाँ है आपकी, केरल में 11.4%, सबसे न्यूनतम है आपके छत्तीसगढ़ में 3.3%। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन यह सच्चाई है, NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, पहले नंबर पर है वैसे केरल, दूसरे नंबर पर है हरियाणा और तीसरे नंबर पर है आपका असम, न्यूनतम में है हमारा छत्तीसगढ़ 3.3% के साथ, परसेंट याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। भारत में 11 राज्य ऐसे हैं जिनका बेरोजगारी दर इस राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगारी दर से ज़्यादा है, मतलब 6.1% से ज़्यादा बेरोजगारी दर 11 राज्यों का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उत्पादन छत्तीसगढ़ जो है वो सीमेंट उत्पादन में अखिल भारतीय स्तर पर 6वें स्थान पर है।
अखिल भारतीय स्तर पर सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है आपका राजस्थान, दूसरे स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आपका 30 मिलियन टन आपका वार्षिक सीमेंट का उत्पादन होता है। वार्षिक स्तर पर आपका 30 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होता है आपका सीमेंट का, तथा इस 30 मिलियन टन वार्षिक सीमेंट के उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर सीमेंट उत्पादन में छठवें स्थान पर है। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके अलावा पूरे भारत भर में सबसे सस्ता सीमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, जो सीमेंट के जो रेट है, वो पूरे के पूरे इंडिया में सबसे सस्ता सीमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका रायपुर एयरपोर्ट। रायपुर एयरपोर्ट जहाँ पे अभी 2018-19 में, वित्तीय वर्ष 2018-19 में रायपुर एयरपोर्ट में जो यात्रियों की संख्या है वो 20 लाख से अधिक रही। 20 लाख से अधिक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जेट एयरलाइंस जो है वो अभी कुछ समय पहले उसके जो उड़ानें हैं वो बंद हो गई। हमारे छत्तीसगढ़ में से दिल्ली मुंबई के लिए जो मेन जो उड़ानें होती थी वो जेट एयरलाइंस की ही होती थी, जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज। ठीक, तो उसकी उड़ानें बंद होने के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 20 लाख अभी तक के सबसे ज़्यादा यात्रियों की संख्या है ये। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में जो यात्रियों की संख्या है वो 20 लाख से अधिक थी। करंट अफेयर में ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन यदि मेंस में यदि आपसे छत्तीसगढ़ में परिवहन से रिलेटेड यदि कोई आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये आंकड़े डालने में काफ़ी आपके लिए अच्छे रहेंगे, मतलब आप कंटेंट इससे उठा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लौह अयस्क उत्पादन। लौह अयस्क उत्पादन प्रेषण का नया कीर्तिमान। लौह अयस्क के उत्पादन और प्रेषण, मतलब लौह अयस्क का जो प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्ट, ये इसमें एक नया कीर्तिमान रचा है आपका NMDC किरंदुल ने। NMDC किरंदुल ने, जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है लौह अयस्क के उत्पादन और प्रेषण में, मतलब प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में। ठीक, कितना उत्पादन हुआ, कितनी मात्रा में लौह अयस्क भेजा गया, यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि कौन से आपके लौह अयस्क के जो खदान है ये उसने आपका कीर्तिमान रचा है। कौन है? NMDC किरंदुल। इसकी स्थापना कब हुई है? 14 अप्रैल 1968 को। 14 अप्रैल 1968, डेट इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। देखिए, आज थोड़ा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, थोड़ा वो तबीयत के कारण ही है जो भी हो रहा है, और काफ़ी अभी वीडियो रेगुलर नहीं थे करके थोड़ा मेरे को बोलने में भी थोड़ा सा अभी फ्लो में आने में टाइम लगेगा। ठीक, अगर थोड़ा बहुत भी अगर इधर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट है आपका विविध। विविध में है आपका टेक बी फर्म हमारे छत्तीसगढ़ की एक फर्म या एक कंपनी है, समझ के चलिए। छत्तीसगढ़ के ही कुछ इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा वर्ष 2015 में आपका एक 3D प्रिंटर बनाया गया था। एक्चुअली में ये एक जैसे आपके रोबोटिक कंपटीशन होते हैं, तो रोबोटिक कंपटीशन के लिए एक रोबोट बनाने के लिए, रोबोट मतलब छोटे से मशीन ही समझ लीजिए, रोबोट तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक मशीन बनाने के लिए ही उसके पार्ट्स की जरूरत होती है। तो इन लोगों ने रोबोट बनाने के बजाय उसके पार्ट्स बनाने के लिए एक ऐसा मशीन डेवलप किया जो रोबोट के लिए जो लगने वाले जो आपके पार्ट्स है उसको बनाए। उसके लिए इन्होंने एक 3D प्रिंटर बनाया। 2015 में एक कॉम्पिटिशन में जीते हुए पैसे की सहायता से उन्होंने ये 3D प्रिंटर बनाया। आज के डेट में इन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी बना ली है। छत्तीसगढ़ के ही 6 आपके विद्यार्थी थे 2015 बैच पास आउट, जिन्होंने खुद के 2015 में इन्होंने मतलब अपनी जो इस 3D प्रिंटर को बनाया था, आज के डेट में इन 6 के 6 ने मिल करके आपका टेक बी फर्म नामक एक कंपनी बना ली है जो 3D प्रिंटर बनाती है। इनके 3D प्रिंटर का डिमांड आपके विदेशों के साथ साथ इसरो में भी इसकी काफ़ी डिमांड है, विदेशों में भी इसकी डिमांड है, और ऑल ओवर इंडिया के और भी आपके जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी इनके इस 3D प्रिंटर की काफ़ी डिमांड है। 2015 में जब इन्होंने चालू किया था तो उस समय इनकी कंपनी का टर्नओवर था 30 लाख रुपए। आज के डेट में वर्ष 2018-19 में इनका जो सालाना टर्नओवर है 6 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर की इनकी ये कंपनी बन चुकी है, टेक बी फर्म। प्रश्न पूछा गया टेक बी फर्म किससे रिलेटेड है, तो 3D आपके प्रिंटर से।
नेक्स्ट है आपका वेस्टाडोम यात्री कोच। वेस्टाडोम यात्री कोच, देखिए वेस्टाडोम यात्री कोच ये क्या है, ये आपका एक ट्रेन की एक बोगी ही है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रेन की जो छत है उसमें कांच लगाया गया है ताकि यात्री यात्रा के दौरान आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सके। तो ये जो वेस्टाडोम कोच है, ऐसे दो कोच बनाए गए हैं, एक कोच जो आपके बिलासपुर मंडल को मिलेगा और दूसरा कोच आपके रायपुर मंडल को मिलेगा। तो बिलासपुर मंडल को मिलने वाले जो वेस्टाडोम कोच है वो आपका पेंड्रा रोड मनेंद्रगढ़ चिरमिरी इस रेलवे रूट में चलेगा, जो कि आप इस जो पेंड्रा रोड मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाले जो रूट है उसमें जो आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आपके इस वेस्टाडोम यात्री कोच को मंगाया गया है या बिलासपुर आपके मंडल को यह मिल रहा है। ठीक, तो वेस्टाडोम यात्री कोच किस मार्ग में चलेगा, पेंड्रा रोड मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका डायल 112 क्या है। डायल 112 आप सभी को मालूम है एक इमरजेंसी नंबर है जो हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराता है, हर प्रकार की सुविधा मतलब 100 नंबर पे पुलिस की सुविधा भी प्रोवाइड कराता है, 101 जो कि दमकल या फायर ब्रिगेड का जो नंबर है, 1090 जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सारे नंबर को मिला करके एक कंप्लीट इमरजेंसी नंबर बनाया गया है डायल 112, जो हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये आपका छत्तीसगढ़ में ये सुविधा लाई गई थी, लेकिन आज के समय में छत्तीसगढ़ के साथ 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ के डायल 112 वाले कॉन्सेप्ट को अपनाया है। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ ने ये कॉन्सेप्ट को अमेरिका से लिया था, अमेरिका में 911 नंबर चलता है, तो वैसे ही मतलब सारी प्रकार की सुविधाओं के लिए एक नंबर 911 जो कि आपको पुलिसिंग, आपके दमकल, आपके महिला हेल्पलाइन सारी सुविधा अमेरिका में देता था, वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ भी उस अमेरिका के तर्ज में डायल 112 चला, मतलब उसको ही प्रारंभ किया। अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे इस नंबर की सुविधा आपकी चालू हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट है लाल अंधेरा। ये लाल अंधेरा क्या है, देखिए ये जो लाल अंधेरा है ये पीएससी का काफ़ी फेवरेट प्रश्न बन चुका है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आजकल पीएससी में आपको ये प्रश्न हर जगह देखने मिलेगा। जिस प्रश्न से पीएससी को प्यार हो जाता है वो प्रश्न वो काफ़ी बार रिपीट करता है। 2015 पीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 2018 के पीएससी प्री में भी ये प्रश्न पूछा गया था, अभी सीएमओ के एग्जाम में लाला जगदलपुरी वाला जो प्रश्न था, लाला जगदलपुरी की रचना कौन सी है, उसमें भी एक ऑप्शन में यही था। ठीक, तो ये जो लाल अंधेरा है ये किसकी रचना है पूछा जाए तो राजीव रंजन प्रसाद की रचना है। ठीक, लाल अंधेरा किसकी रचना है, राजीव रंजन प्रसाद, ये क्वेश्चन पीएससी बहुत बार रिपीट कर रहा है। जैसे छिंदक नागवंशीय शासकों का जो क्रम है, जैसे नरहर सिंह और आपका जय सिंह, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन देता ना, उसको भी 2015 पीएससी से वो छिंदक नागवंशीय शासकों का क्रम वाला प्रश्न वो उसको भी बार बार रिपीट कर रहा है, और ये एक लाल अंधेरा वाला प्रश्न इसको भी अभी कई बार रिपीट कर चुका है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, जैसे लाला जगदलपुरी की रचनाओं में इसको शामिल कर दिया है, 2018 पीएससी में साइड डायरेक्ट पूछा था कि मतलब जो ये जो लाल अंधेरा है ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा जो लाल अंधेरा है ये राजीव रंजन प्रसाद की रचना है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।